आत्मा नमस्ते टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू ग्रैटिट्यूड टू गुरु सीजन 5. वी आर डूइंग दिस ग्रैटिट्यूड टू गुरु सीरीज एवरी ईयर टू ऑफर अवर ग्रैटिट्यूड एट द फीट ऑफ अवर गुरु मास्टर जोआ बोक्सी. इन टुडे सेशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ पर्सन अ इंडिविजुअल हु रन्स अ सक्सेसफुल बिजनेस इन गुजरात. ही स्टार्टेड हिज प्राणिक हीलिंग जर्नी इन 2016. Now he is a certified pranic healer, a very expert healer, and he is instructor for basic pranic healing, and soon he will become instructor for advanced pranic healing. He loves playing cricket. He taught pranic healing courses in Gujarat, in Rajasthan, even in Maharashtra. So very versatile personality, and interesting to know that his entire family learned pranic healing. His family is a pranic family. His wife is also a pranic healing instructor. So let's welcome our today's speaker and trainer, Mr. Gautam Suranna. Welcome. So namaste everybody. Thank you for the wonderful introduction and thank you for the warm welcome. I feel privileged and honored to be on this platform, and I feel it's an opportunity for me to express gratitude towards my guru. So thank you again. So Gautam, आप बताइए कि आप प्राणी किलिंग में कैसे आए? You are from a business background and you were working, मतलब आपका खुद का business था. तो आपकी प्राणी किलिंग के साथ introduction कैसे हो? प्राणी किलिंग में मेरे छोटे-छोटे challenges थे. For example, मुझे migraine था और मुझे internally satisfaction नहीं feel हो रहा था जो भी मैं कर रहा था. तो आई वॉज फीलिंग हॉलो फ्रॉम इनसाइड एंड आई वॉज लुकिंग फॉर सम सोल्यूशन. और उसी प्रोसेस में मैं मेरे सामने जो भी आ रहा था मैं ट्राई कर रहा और मैंने प्राणिक हीलिंग को भी ट्राई किया. सो आई डिड नॉट हैव एनी आइडिया. तो जैसे ही मैं प्राणिक हीलिंग में एंटर हुआ मुझे मेरे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन दिखने लगे. और कुछ कुछ तो प्रॉब्लम्स ऐसी है जो मुझे पता चलने लगा कि ये प्रॉब्लम्स है जो मुझे पता भी नहीं था कि ऐसी ये प्रॉब्लम है बोल के. सो इसी रीजन के लिए मैं गुरु की तरफ बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ बिकॉज आई डिड नॉट हैव ए फार्मूला इन माई लाइफ हाउ टू बी सक्सेसफुल. आई डिड नॉट नो वॉट टू डू. आई वॉज कम्प्लीटली अनक्लियर अबाउट द गोल अबाउट द अप्रोच. मतलब क्या करना है और कैसे करना है इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था. और ये मुझे मिला तो जिसकी वजह से आई थिंक मेरी प्राणिक हीलिंग की जर्नी चालू. वाओ. सो आपने पहले ही लाइन में बता दिया कि गुरु कैसे काम करते हैं. लाइक गुरु इज़ अ डिस्पेलर ऑफ डार्कनेस. तो गुरु आने के बाद आपके लाइफ में बहुत सारे जगह पर क्लैरिटी आ गई, प्रकाश आ गया, आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है. एंड देन यू डिसाइडेड टू बिकम अ सर्टिफाइड हीलर एंड इंस्ट्रक्टर ऑल्सो. सो वो जर्नी कैसी थी बिकमिंग अ सर्टिफाइड हीलर? बिकॉज फॉर यू और दोज हु विल बी वॉचिंग, प्राणिक हीलिंग में ऐसा होता है कि आप कोई भी जाके एक सर्टिफाइड हीलर नहीं बनते हो. यू हैव टू सबमिट सर्टन नंबर ऑफ हीलिंग टेस्टिमोनियल्स एंड इफ यू वांट टू बिकम अ सर्टिफाइड प्राणिक हीलर यू हैव टू वर्क विद 50 डिफिकल्ट केसेस. एंड गौतम जी ने वो सब किया है. सो प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस अबाउट दैट. अभी बहुत रिसेंटली मैंने एक मेरे फ्रेंड से ये सुना था और उससे मुझे ऐसा लगा कि मेरे जो थॉट्स है वो ऑर्गेनाइज करने में मुझे बहुत मदद मिलेगी. उन्होंने वो एक वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने मेरे से शेयर किए और शेयर जब किया एडवांटेजेस तो उन्होंने बताया ये सब तो बाय प्रोडक्ट है. जो मेन प्रोडक्ट है वो तो मेन जो आउटकम है वो तो मैं शेयर भी नहीं कर सकता क्योंकि खुद को भी नहीं पता है. तो उसी तरह से मेरे प्राणिक हीलिंग जर्नी में बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स मिले. बाय प्रोडक्ट में मेरा माइग्रेन ठीक हुआ, मुझे जो अंदर से एम्प्टीनेस लगता था वो ठीक होने लगा. फिर जो जो प्रॉब्लम्स मुझे पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम्स है, फॉर एग्जांपल मैं गुस्सा करता था या मेरा नेचर अच्छा नहीं था, मेरे रिलेशनशिप में हारमनी नहीं थी, ये सब मुझे पता नहीं था. तो मुझे पता चला अच्छा रिलेशनशिप क्या होता है, हेल्दी हारमोनियस रिलेशनशिप क्या होता है वो पता चला, लाइफ में बैलेंस क्या होता है ये पता चला. तो वो फॉर एग्ज़ाम्पल सक्सेसफुल होने के लिए बचपन से मैंने यही सुना था कि पैसा बहुत सारा कमाओ, सक्सेसफुल हो जाओ या फेमस हो जाओ, ये सब क्राइटेरिया थे हमारे आसपास. तो बहुत सारा पैसा मेरे नज़र में जितना पैसा कमाना था उतना कमाने के बाद भी मुझे ऐसा लगा कि मुझे अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है. और तब जाके मुझे पता चला कि लाइफ में चार बॉक्स में टिक लगाना पड़ता है कॉल्ड हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप एंड स्पिरिचुअलिटी. जब तक इन चारों बॉक्सेस में हम प्रोग्रेस नहीं करते हैं हमको सेटिस्फेक्शन फील नहीं होता है. और एक जो इनर सेटिस्फेक्शन है कि हम जिस पर्पज़ के लिए इस लाइफ टाइम में इस धरती पर आए हैं
वो जब लाइफ का पर्पस जब तक हम लोगों को नहीं पता चलता और जब तक उस डायरेक्शन में काम नहीं करते तब तक हम लोगों को एम्प्टीनेस फील होता है। तो ये मुझे रियलाइज हुआ और ये मुझे प्राणी किलिंग में आने के बाद मिला। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये सारी चीज़ें अभी भी बाई प्रोडक्ट हैं। हम लोग बाई प्रोडक्ट का ही डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि हम डिस्कशन सिर्फ बाई प्रोडक्ट का कर सकते हैं, मगर जो मेन प्रोडक्ट है वो मैं उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत ही बोल सकता हूँ कि वो ये है कि मुझे जो मेरे अंदर की नीड थी, जो मेरे अंदर की नीड थी वो मुझे सेटिस्फाई होती हुई महसूस हुई। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं प्राणी किलिंग सेंटर में प्राणी किलर्स के साथ में काम करता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है वो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं। इनफैक्ट फैमिली मेम्बर्स से भी ज़्यादा ट्रस्ट, ज़्यादा लगाव उन लोगों के साथ में है। आज अगर मैं आप जैसे कोर ट्रेनर्स, कोर डिसाइपल के साथ मिलता हूँ तो मुझे कनेक्ट करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और ये सेम प्लेटफॉर्म मुझे लगता है कहीं और मिलना बहुत ही मुश्किल है। मैंने बहुत कोशिश की कि मेरे ऑफिस में भी ऐसा माहौल बने, मगर ऑफिस में भी ऐसा एग्जैक्टली ऐसा माहौल नहीं बन पाया। हम ट्राई करते हैं कि पूरा ट्रस्ट करें, हम ट्राई करते हैं कि पूरा एक दूसरे को सरेंडर करके काम करें, मगर वो नहीं हो पाता है। तो ये जो कनेक्शन है, ये जो डीपर लेवल की बॉन्डिंग है और जहाँ पे आप खुल के काम कर सकते हो, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, तो जिन लोगों के प्रॉब्लम डिफाइनेबल है, जो एटलीस्ट बोल के आते हैं कि मुझे ये तकलीफ है, उनकी प्रॉब्लम तो डेफिनेटली सॉल्व हो सकती है। और उससे मुझे कॉन्फिडेंस मिला और उससे कॉन्फिडेंस मिल के मैं आगे बढ़ा। मुझे ऐसा लगा कि जो बेनिफिट मेरे लाइफ में आया है वो बेनिफिट मुझे दूसरे लोगों को भी पास ऑन करना चाहिए, दूसरे लोगों को भी इसका टेस्ट दिलाना चाहिए। और उसी ने मुझे इंस्पायर किया कि हम लोगों ने सेंटर चालू किया, हम लोगों ने एक टीम बनाई और टीम बना के इसको आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं ताकि दूसरे लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें। और जब दूसरे लोग आके बेनिफिट लेते हैं और जब वो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि मुझे ये फ़ायदा हुआ, मुझे वहाँ फ़ायदा हुआ, इट इज़ मैजिकल, बहुत ही मैजिकल एक्सपीरियंस रहा है, तो उससे जो खुशी मिलती है, ये खुशी आई थिंक वो जो मेन प्रोडक्ट है उसको इशारा करती है। तो बाय प्रोडक्ट में डिस्कशन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर मेन जो प्रोडक्ट है उस पर आई थिंक हम सब लोगों का वो मेन जो प्रोडक्ट है अलग अलग है और वही हम लोगों को ड्राइव करता है आगे बढ़ने में। वाह, सो जैसे अभी आपनी कंडीशन बताई ना स्टार्टिंग में आपकी जैसी थी बिफोर कमिंग इन टू प्राणी फीलिंग, ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में कि आई थिंक सिमिलर सिचुएशन से अभी जा रहे हैं। सो व्हाट वुड यू सजेस्ट देम कि जो काम कर रहे हैं पर सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा है, मतलब उन्होंने अपने पसंदीदा करियर चुना है पर फिर भी वो उनको सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा, क्या कर सकते हो? आई थिंक सबसे पहले ये चेक कर सकते हैं कि उन्होंने जो भी चूज़ किया है वो क्यों चूज़ किया है, व्हाट इज़ द मेन क्राइटेरिया, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव। बहुत बार हमारे जैसे मैंने बाई प्रोडक्ट का डिस्कशन किया तो ऐसे बाई प्रोडक्ट हमारा मेन प्रोडक्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे किसी और को फैमिली में नाम कमाना है या फिर मुझे किसी और को पुश करना है या मुझे इतने पैसे कमाने हैं, या थोड़े टाइम बाद में पता चलता है हम लोगों को ये सारे टारगेट मेरे थे ही नहीं, ये मेरे इन्फ्लुएंस में आके मैंने खाली सोचा था कि हाँ ये मुझे करना चाहिए बट एक्चुअल में मुझे ये नहीं करना था। और बहुत बार जब हम लोग कोई भी करियर चूज़ करते हैं या फिर कोई एक फील्ड में होते हैं तो हमें अंदर से रियलाइज़ खुद को तो होता ही है कि मैं सही जगह पे हूँ कि नहीं हूँ, मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या इसमें मुझे मज़ा आ रहा है, क्या मैं इसमें ऑफिस में अगर मुझे पैसा नहीं मिलेगा, किसी एक जन ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट शेयर किया था कि आप जो कर रहे हो उसमें अगर आपको पैसा नहीं मिले तो क्या आप फिर भी कंटिन्यू करोगे, ये विल यू स्टिल कंटिन्यू। ऐसे सब क्वेश्चंस है जिससे हम लोगों को मालूम पड़ता है कि क्या ये काम मैं करना चाहता हूँ या फिर सिर्फ मैं पैसे के लिए, नाम कमाने के लिए या सक्सेसफुल होने के लिए इसका मैं थोड़ी देर के लिए सहारा ले रहा हूँ। अगर मैं कोई भी गोल जो थोड़ी देर के लिए मैं खाली उसका सहारा लेके आगे बढ़ने के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो बहुत जल्दी मैं उसमें थक जाऊँगा और बहुत जल्दी मुझे उसमें मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, और बहुत जल्दी जब इंटरेस्ट ख़त्म होगा तो मैं एक्चुअल चीज़ ढूंढूंगा कि उसमें क्या है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर मुझे पैसा कमाना है, पैसे कमाने के साथ साथ मैं ये नहीं बोलता कि पैसा नहीं कमाना चाहिए, पैसा डेफिनेटली कमाना चाहिए, मगर सिर्फ पैसा कमाना आई थिंक वो एक और गरीबी की निशानी है। तो सिर्फ पैसा कमाना हमारा पर्पज़ नहीं है, मगर पैसा कमाने के साथ साथ हम उस फील्ड में अगर टाइम स्पेंड कर पाएँ जहाँ पे हम इंजॉय करते हैं, जहाँ पे हम लोगों को कंट्रीब्यूट करते हैं, जहाँ पे हम हमारे आसपास एक अच्छी लाइफ क्रिएट करने की सोचते हैं, ये अगर कॉम्बिनेशन हो सकता है तो ये बहुत ही अमेजिंग हो जाएगा। तो इन शॉर्ट मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हम सबसे पहले हमारी ज़िंदगी को बेटर करें, अगर हमारी ज़िंदगी खुद की बेटर होती है तो उसके बाद हम थोड़ा सा सर्कल को बड़ा करें कि हाँ हमारे फैमिली मेम्बर्स भी खुश हैं, वो भी हैप्पी हैं, वो भी अपना डिसीजन ले पा रहे हैं, जो वो करना चाहते हैं वो कर पा रहे हैं। उसके बाद भी धीरे धीरे ये सर्कल बढ़ता है, धीरे धीरे जान पहचान वाले लोग, प्रोफेशनल एसोसिएटेड लोग,
तो ये जो है इन्हीं लोगों को हम रोज मिलते हैं, इन्हीं लोगों से हमारी दुनिया बनती है। और यही लोग अगर खुश नहीं होंगे, इन्हीं लोगों के साथ अगर हम लोग खुश नहीं होंगे, तो फिर हमारी लाइफ भी हैप्पी नहीं होगी, हमारी लाइफ भी फुलफिल्ड नहीं होगी। तो इट इज़ वन ऑफ द वेज ऑफ लुकिंग एट कि मैं जिन लोगों के साथ में मैक्सिमम टाइम स्पेंड करता हूँ, उन लोगों के साथ में मेरा रिलेशनशिप कैसा है, हाउ डीप माई रिलेशनशिप इज, या फिर प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम है। तो आई थिंक ये कुछ क्वेश्चन हैं जो हेल्प करेंगे ये ढूंढने में कि मुझे क्या करना चाहिए और कहाँ पर मैक्सिमम टाइम स्पेंड करना चाहिए। वाओ, दिस इज अमेजिंग। और ये सब करने के लिए आई नो दैट प्राणिक हीलिंग हेल्प्स, बट हाउ वुड यू एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड टू मास्टर चोवा, बिकॉज नाउ 15th ऑगस्ट विल बी हिज बर्थ डेट, सो हाउ वुड यू ऑफर ग्रेटिट्यूड? आई थिंक वन ऑफ द वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड इज टू बी जॉयफुल, ये मैंने सुना है। तो आई वुड लाइक टू बी मोर जॉयफुल, क्योंकि गुरु की वजह से और सुप्रीम गॉड की ब्लेसिंग्स की वजह से हमारी लाइफ इतनी अच्छी हुई है। तो सबसे पहला तो अच्छी हुई है, मतलब आई शुड बी हैप्पी, आई शुड बी जॉयफुल। तो मैं जॉयफुल होके अपने गुरु को मैं ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं जॉयफुल हो गया तो मेरे आसपास के लोग अपने आप रिलेट कर पाएंगे कि क्या व्हाट इज, या तो ये पूछेंगे व्हाट इज रॉन्ग, व्हाई कैन यू बी सो जॉयफुल, व्हाट इज द प्रॉब्लम, या ऐसा क्या है कि आप इतना जॉयफुल रह पा रहे हो, इतनी सारी चैलेंजेस होने के बाद भी आप उसके बाद भी आप पॉजिटिव हो, इतने कॉन्फिडेंट हो, इतने होपफुल हो, इतने जॉयफुल हो, ये क्यों है? तो मुझे लगता है अगर मैं वैसा बनता हूँ तो मेरे आसपास के लोगों में ऑटोमेटिकली वो रिफ्लेक्ट होगा और लोग पिक करेंगे। मैं छोटी सी एक शेयरिंग से इसको पास ऑन करता हूँ कि जो लीडरशिप का स्टाइल है कि हम दूसरे लोगों को कैसे चेंज करें, हम गुरु को कैसे ग्रैटिट्यूड दें। तो बहुत बार गुरु हमें कुछ बोलते नहीं है, गुरु अपने आप ही सिखा देते हैं, या गुरु का जो प्रेजेंस है उसी से हम सीख जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक बार ऐसा हुआ था कि एक मेरे दोस्त ने मुझे घर पे छोड़ा और वो रास्ता करीब 15-20 मिनट का था। ये 15-20 मिनट में मैंने देखा कि उस बंदे ने एक भी बार हॉर्न नहीं बजाया, और उसने मुझे ये नहीं बोला कि हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, वो लोग हॉर्न बजा रहे, तुम भी मत बजाए करो, मेरा टारगेट है कि मेरे सिटी में हॉर्न बजाना मैं 90% कम कर दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। मगर जब मैं घर पहुंचा तो मैं सोचने लगा कि यार क्या अमेजिंग बंदा है, उसने एक बार भी हॉर्न नहीं बजाया, वेट करा नहीं, हाँ सामने वाला जो जा रहा है वो भी जाना है, कितना विश्वास था उसको कि जिसको भी निकलना है वो निकल ही जाएगा और उसकी गाड़ी आगे चली जाएगी। और उस दिन के बाद से मेरा जो हॉर्न बजाना है वो 98% कम हो गया, मैं ऐसा बोल सकता। तो इसमें उस बंदे ने मुझे प्रीच नहीं किया, उस बंदे ने मुझे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उसके प्रेजेंस में मैं 15 मिनट रहा और उस 15 मिनट से मेरी लाइफ चेंज हो गई। तो मैं भी गुरु को यही अर्पित करना चाहता हूँ कि हमारी लाइफ भी ऐसी हो कि हमारे आसपास के लोग ये देख के अपने आप ही पता कर लें कि ये बंदा जो है, इस बंदे से मैं वो गुरु की टीचिंग ले सकता हूँ, और इस गुरु की टीचिंग लेके मैं मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। हमारी प्रॉब्लम ही है, हमारा प्रेजेंस ही ऐसा हो, हमारा बीइंग ही पूरा ऐसा हो कि उसमें से ही वो ये एक्सट्रैक्ट कर लें, और एक्सट्रैक्ट करके गुरु की जो लाइट है वो हमारे थ्रू और लोगों में पहुँचे। तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरु की लाइट हमारे तक तो पहुँच रही है, मगर हम जितना और प्योर होंगे, हमारे अंदर जितना और वो शाइन होगा, ऑटोमेटिकली ये लाइट दूसरे लोगों तक अपने आप ही पहुँचेगी। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। So can you just shower some more light to all the viewers through blessings now? Definitely. Blessing is something that I have learned from Master Chua, and it has transformed my life completely. तो प्राणिक हीलिंग में आने की वजह से, especially जब से ट्रेनर बना हूँ, उससे सबसे बड़ा गिफ्ट मुझे लगता है ये मिला है कि टीचिंग्स को प्रैक्टिस करने का मौका और अच्छे और बेटर तरीके से मिलता है, और टीचिंग्स के ऊपर विश्वास आ गया है। अलग अलग सिचुएशंस में ये मौके मिलते हैं जहाँ पे हम ब्लेसिंग्स, फॉरगिवनेस, क्वीन हार्ट्स मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गाइड एवरीबडी हु इज कनेक्टेड थ्रू दीज ब्लेसिंग्स। तो वी कैन पुट आवर हैंड्स इन ब्लेसिंग पोजिशन, वी कैन जेंटली क्लोज आवर आईज, वी कैन कनेक्ट आवर टंग टू आवर पैलेट, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन ब्लेस आवर फैमिली। मे ऑल द फैमिली मेम्बर्स इन माई फैमिली बी ब्लेस्ड विद गुड हेल्थ, हैप्पीनेस, जॉय, progress, prosperity, abundance and spirituality. You all can visualize everybody smiling, everybody very very happy, very very joyful. The joy that we want to radiate, the joy that we are experiencing in the presence of our Guru, everybody around us is experiencing the same joy.
Now allow yourself to extend your blessings to the extended family, जितने भी आपके relatives हैं, friends हैं, visualize करिए वो सभी लोग मुस्कुरा रहे हैं. Everybody is super successful in their lives. Everybody is growing in all the areas. May all of them be blessed with greater ability to dispel their darkness. May all of them be blessed to know the purpose of their life. May all of them be equipped with tools so that they can achieve their targets easily. Let us extend our blessings to everybody connected with us, not just our family members or extended family, but everybody whom we know, whom we are connected directly or indirectly. May everybody around us be blessed with good health, happiness, joy, progress, prosperity, abundance, and spirituality. May everybody be divinely blessed, divinely guided, divinely helped, and divinely protected. Blessings be to all. We can continue blessing the entire country. May the entire country be blessed. May the entire world be blessed. May every person, every being on this earth be blessed with good health, happiness, inner peace, joy, progress, prosperity, abundance, and spirituality. May they all be blessed with illumination. So be it. Thank you. Thank you, Gautam, for wonderful session and wonderful insights. So from this, what personally I take away is, जैसे उन्होंने कार स्टोरी बताई, भगवान वाले की स्टोरी बताई, वो सब समझने के लिए आपको आपका अवेयरनेस भी चाहिए, आपको उतना संजगता भी मेंटेन करना चाहिए. You have to find out the true purpose of your life, and that can be achieved, that can be found out using the way of meditation. In pranic healing, there are several ways and there are several methods of meditation. You can learn and try to find and understand your true nature, your true purpose of existence. So I hope you will soon learn pranic healing. If you're interested in learning pranic, the descriptions are given in the description link. And you can learn pranic healing in the world anywhere. So you can just click on the link and find your nearest instructor. Gautam ji jo hai, he's from Surat. So if you are nearby Surat, definitely visit Akar Pranic Healing Center and start working with them as a healer and as a volunteer. So Gautam, thank you so much once again for this wonderful, insightful session. And thank you. Atma Namaste. Thank you for the opportunity. Thank you. Atma Namaste.